वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy। प्रशांत धवन, नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। नो मनी, नो फूड और नो नॉलेज। पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी एनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया को बैन कर दिया है। हालांकि अगर जो भारत पाकिस्तान के बीच में अभी बातचीत चल रही है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, वो बातचीत टूट जाती है तो यहाँ पर मुझको एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, नो वाटर एज वेल। मगर खैर, अभी के लिए हम बात करते हैं विकिपीडिया के बारे में। विकिपीडिया आपको पता होगा, अगेन विकिपीडिया दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है नॉलेज के लिए। जिसको भी इनिशियल प्राइमरी नॉलेज चाहिए होती है वो सीधा जाता है विकिपीडिया में चेक करने के लिए कि कोई चीज सही है या गलत है। और विकिपीडिया को पाकिस्तान ने बैन इसलिए किया है क्योंकि इनके हिसाब से विकिपीडिया में इस्लाम के अगेंस्ट काफी सारा कंटेंट है, और कई एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में वो ये मान रहे हैं कि ये एक्चुअली एक शुरुआत है एक लार्जर सोशल मीडिया बैन की। क्योंकि आपको बताना चाहिए, पाकिस्तान इन द पास्ट ब्लास्फेमी को लेकर, इस्लाम रिलीजन के इशू को लेकर काफी बार यूट्यूब को भी बैन कर चुका है। यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो गया था 2012 में, और ये जो बैन है ये उठा था 2016 में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब एक ऐसे टाइम में हो रहा है, ये जो विकिपीडिया का बैन है ये ऐसे टाइम में लग रहा है जब पाकिस्तान एक मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने और ज्यादा कड़ी शर्तें रख दी है पाकिस्तान के सामने इनके बेलआउट पैकेज के लिए। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर हुआ क्या है, कितने और देश हैं जिन्होंने बैन कर रखा है विकिपीडिया को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? अभी के लिए चीफ ऑफ एयरफोर्स हमारे कौन है वैसे? विवेक राम चौधरी। तो मैंने आपसे पूछा है कि वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है, यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना कुछ ही दिनों पहले मैं देख रहा था कि टाइम मैगजीन, जी हाँ, ग्लोबल मीडिया भी, वेस्टर्न मीडिया भी इस बात को प्रॉपरली कवर कर रहा है कि क्यों पाकिस्तान फेस कर रहा है एक ग्रोइंग फूड क्राइसिस। जी हाँ, बहुत ही बेसिक नीड होती है सर्वाइवल के लिए खाना, और इसकी कमी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। और इस बात को लेकर ना सिर्फ यूएसए का मीडिया, इवन यूएसए की गवर्नमेंट काफी हद तक चिंतित है। यूएसए की गवर्नमेंट मानती है कि आने वाले कुछ महीनों में जो खाने की कमी है पाकिस्तान में, ये इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है कि कंट्री एक बार को कोलैप्स कर सकता है। और इसलिए यूएसए में ये भी बात चल रही है कि ये लोग एक बहुत ही बड़ा फूड का कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। ऑफ कोर्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एड के रूप में जाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर, वहां पर 6 मिलियन मतलब के 60 लाख लोग हैं जिनको एक्यूट फूड की शॉर्टेज है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो स्थिति अफगानिस्तान में है धीरे धीरे बन रही है पाकिस्तान में। अब जब कंट्री की हालत इतनी खराब हो, आपका IMF का लोन अप्रूव ना हो रहा हो, आपके यहाँ फूड की कमी है, उसके अलावा करप्शन वगैरह के आरोप लगे हुए हैं गवर्नमेंट पर, इस बीच जब आप दुनिया की सबसे बड़ी एनसाइक्लोपीडिया को ब्लॉक करते हो तो देखिए सवाल तो उठेंगे। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने यह कहा है कि देखो विकिपीडिया पे ब्लास्फेमस कंटेंट है, प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर काफी आपत्तिजनक बातें लिखी हुई है इनके हिसाब से विकिपीडिया पे, तो इसलिए इन्होंने विकिपीडिया को बैन किया है। मगर एक बहुत ही अजीब बात यह है कि बाकी इस्लामिक कंट्रीज ने अगर विकिपीडिया को बैन किया है ना, तो उसके पीछे ब्लास्फेमी इस्लाम का कोई रीजन था नहीं। मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाता हूँ, ये सब वो देश हैं जहां पर पार्शली या फिर 100% विकिपीडिया को बैन कर रखा है। नंबर वन पे आपको दिखेगा बेलारूस। बेलारूस पे वैसे विकिपीडिया को बैन तो नहीं किया, मगर जो भी विकिपीडिया पर बेलारूस की सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है, बेलारूस की सरकार उसको डाल देती है जेल में। फिर चाइना ने तो पूरे विकिपीडिया को बैन कर रखा है। ईरान ने देखिए विकिपीडिया के बहुत सारे पेजेस बैन कर रखे हैं, मगर पूरे विकिपीडिया को बैन नहीं किया। म्यांमार में जब से तख्तापलट हुआ है उन्होंने विकिपीडिया को बैन कर दिया है। और पाकिस्तान इन द पास्ट कई बार विकिपीडिया को बैन कर चुका है। पहला बैन लगा 2006 में, फिर 2010 में भी एक बैन लगा था, और अब जो लेटेस्ट बैन है ये 2023 में लगाया गया है। नाउ यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज है जैसे कि सऊदी अरेबिया, टर्की हो गया, उज़्बेकिस्तान है, इवन सीरिया है, इन्होंने भी तो बैन लगाया है। देखिए इन लोगों का जो विकिपीडिया बैन है पहली बात तो डिफरेंट है। इनमें से काफी कंट्रीज ने कंप्लीट बैन नहीं लगाया विकिपीडिया पे, और उसके अलावा
मान लो टर्की का केस ले लो, टर्की ने अगर 100% बैन लगा रखा है विकिपीडिया पर, तो उसका रीजन ये है क्योंकि विकिपीडिया में एर्दोगान के खिलाफ खराब बातें लिखी है। ये टर्की की सरकार ने कहा है कि विकिपीडिया पे कई पेजेज है जहां पे आरोप लगाए गए हैं कि टर्की की सरकार हेल्प करती है आतंकवाद को, एर्दोगान पे जो करप्शन के चार्जेस हैं उनकी बातें लिखी हुई हैं विकिपीडिया पे। तो टर्की ने ये सब जो रीजंस हैं इनकी वजह से बैन कर रखा है विकिपीडिया को। कोई ब्लास्फेमी का केस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। सेम चीज आपको मिलेगी सऊदी अरेबिया में। कोई भी अगर सऊदी अरेबिया में जो रॉयल फैमिली है उसके खिलाफ लिखता है तो जो वो आर्टिकल है वो बैन कर दिया जाता है, और जो राइटर है उसको या तो ये जेल करवाते हैं या फिर वो राइटर बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं पाकिस्तान पहला इस्लामिक कंट्री होगा जो एक ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया को बैन कर रहा है ब्लास्फेमी के इशू को लेकर। मगर पाकिस्तान में कई जो एक्टिविस्ट हैं, फ्री स्पीच के एक्टिविस्ट, वो लोग कह रहे हैं कि जो ये बैन लगा है ना इसके पीछे रियल रीजन कुछ और है। देखो ब्लास्फेमी एक ऐसा इशू है पाकिस्तान में जिसको लेकर काफी बार नेता पॉलिटिक्स भी खेलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इमरान खान जब पाकिस्तान के पीएम थे तब ये काफी बार ब्लास्फेमी का इशू उठाते थे यूएन में और जगह, और इसकी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में बढ़ी भी थी। आप देखोगे पाकिस्तान में ना जो मेजोरिटी है, जो आप कह लीजिए 70-80% पॉपुलेशन है, वो ब्लास्फेमी के अगेंस्ट जो लॉज हैं उनको सपोर्ट करती है। वो नहीं चाहती कि कहीं से भी ब्लास्फेमी हो, इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक चीजें बोली जाए। तो जो इमरान खान की स्ट्रेटजी थी वही करंट गवर्नमेंट कॉपी कर रही है। उसके अलावा आप जान के हैरान होंगे आज के समय इमरान खान पर ब्लास्फेमी के लॉ का ही एक केस चल रहा है। अब आप कहोगे ये कब हो गया? आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे आज से कुछ महीने पहले, तो ये सबसे पहले गए थे सऊदी अरेबिया में, मदीना में गए थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए। और उनकी उस विजिट के दौरान ना इमरान खान की पार्टी के बहुत सारे सपोर्टर्स ने बहुत भला बुरा कहा पाकिस्तान के पीएम को मदीना में। तो इस इशू को लेकर पाकिस्तान में इमरान खान के अगेंस्ट ब्लास्फेमी का एक केस चल रहा है। और रिसेंटली पाकिस्तान के पीएम ने यह भी कह दिया कि चार लोग हैं पाकिस्तान में, ये इनको मारना चाहते हैं ब्लास्फेमी के इशू को लेकर के। कल को अगर इमरान खान को मारा भी जाएगा ना तो रीजन ये बता देंगे कि देखिए ये ब्लास्फेमी कर रहे थे, इनके जो सपोर्टर हैं इन्होंने मदीना जैसी जो पाक जगह है वहां पर पॉलिटिक्स करी। तो जो ये ब्लास्फेमी का इशू है ना ये विकिपीडिया तक थमने नहीं वाला। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो ये विकिपीडिया का बैन है ना ये फाउंडेशन का काम करेगा आने वाले एक्शन को लेकर। क्योंकि मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में ना आने वाले समय में बहुत ज्यादा इंटरनल डिस्टरबेंस होने वाली है। पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि ये लोग एक जेल भरो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान में। ये वैसे जेल भरो जो आंदोलन है इसको सबसे पहले फेमस किया था महात्मा गांधी जी ने, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफी यूज होता था। मगर अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि सड़कों पे इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करो, इतने लॉस तोड़ो एक बार को कि जेलें भर जाए, पुलिस सोचे कि अब जेलें ही हमारे पास है नहीं, इन लोगों को, इन प्रोटेस्टर्स को रखेंगे कहां पर। तो आने वाले एक से लेकर डेढ़ साल का जो टाइम है मैं कहूंगा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेस्ट है, यूएसए के लिए भी टेस्ट है कि क्या आप यूएसए इस कंट्री को बचा पाएगा, इस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला पाएगा। नहीं तो बिल्कुल पाकिस्तान एक मेजर सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। और अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत न्यूज आएगी, इसमें यह मत समझना कि हाँ पाकिस्तान खराब हालत में है काफी सालों के, नहीं। ये जो आज के समय पाकिस्तान में हो रहा है दिस इज वेरी स्पेशल, और हो सकता है कि इंडिया का जो वेस्टर्न नेबर है ये कोलैप्स ही कर जाए। तो इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा फ्यूचर में। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हु इज द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स इन इंडिया। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, एपी सिंह साहब। यहाँ पे आप देख पाओगे एयर मार्शल एपी सिंह टेक्स चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ, जो इस चीज को जाकर देखते हैं 100 में से 1-2% और ज्यादा भी नहीं है, वो भी कम ही यूज करते हैं। विकिपीडिया का काफी इस्तेमाल है पाकिस्तान में, क्योंकि आपकी एक आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि जो आप एक मतलब कि किताबें आपने पढ़ी हों या आर्टिकल पढ़े हों या एक एक हिस्ट्री में जाएं, तो जहरी बात है जब भी आपको एक बात किसी से मतलब के ना मालूम हो तो आप जाकर पहले तो एक गूगल एक ट्रांसलेट होता है, तब जाकर आप बोलते हैं, फिर विकिपीडिया पर फेंकते हैं तो आपको सब पता चल जाता है। इसका काफी इस्तेमाल था अगर आपको जानने को मिले तो 19% में मुझे तो लगता है कि 50% यूज करते होंगे, लेकिन ये एक अच्छा साइन नहीं पाकिस्तान गाइज। आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।